अवैध कच्चे महुआ शराब पर बिलाईगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस के हाथ 31 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई है और इसके साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि क्षेत्र में हो रहे जुआ सट्टा अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री जैसे गोरख धंधों पर रोक लगाने के लिए बलौदा बाजार SP दीपक झा द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए थे, जिसके मद्देनजर बिलाईगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र के बांस और गोली गांव में छापा मारा और कार्रवाई की। ये जो है वरिष्ठ हमारे महोदय जहाँ साहब के निर्देशन में जो भी कार्रवाई हुई है उसमें यह था कि अवैध शराब जो कार्रवाई का निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें आज नाम मुझे सूचना मिली कि बांस गुली बिलाई करते जो बांस गुली गाँव है वहाँ पे ऋषा ध्रुव नाम के व्यक्ति जो है अवैध रूप से मोहम्मद शराब का निर्माण करता है। इस सूचना पर हमारा स्टाफ पुलिस वाले रवाना हुए थे। मौके पर आरोपी के पास से करीबन 30 लीटर मोहम्मद शराब जब्त किया गया है एवं शराब बनाने हेतु बांगा है। वहीं बलौदा बाजार जिले के भटगांव थाना अंतर्गत एक ढाबा में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना सामने आई। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में व्यक्ति घायल भी हो गया। दरअसल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ढाबा चालक पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है इसकी जाँच में पुलिस जुटी हुई है। वहाँ ढाबा पे खाना खाने गया था, मैं बैठा था तो एक पुलिस वाला आया भटगांव थाना से, जो कि उनके परिवार वाले लोग सरसवां पे रहते हैं, है नहीं? खाना वाना खाया और वहाँ का जो कर्मचारी था ढाबा का उसको वो मार दिया और फिर वो तो चले गया नहीं। और मारने के बाद उसके बाद ढाबा वाले मेरे को बुलाया और मेरे को बोला कैसे तो चिंता है कि नहीं, उस स्टाफ वाले को शटर बंद किया पूरा, जितना के जितना स्टाफ मेरे को इतना मारा मेरे अंग इतना दर्द कर रहा है, मैं बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई और वहीं 6 लोग घायल बताए गए हैं। और पुलिस के मुताबिक ये हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जब एक SUV कार डिवाइडर से टकरा गई और ये कार इतनी जोरदार थी कि SUV कार के परखच्चे भी उड़ गए और टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य जारी किया। और अधिकारियों ने बताया कि कार में सवार सभी लोग दुर्ग जिले के रहने वाले थे और ये सभी माघ मेले के लिए गरियाबंद जिले की ओर जा रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं एक ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया और अभी तक किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है।